जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि आगामी 19 मई को प्रदेश में पार्टी के राष्ट्रीय मंत्रियों की एक अहम बैठक होगी। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, जिसमें देश भर से राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के संगठन मंत्री यहाँ 20 तारीख को इकट्ठे होने वाले हैं। 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक यहाँ होगी और जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी खुद करने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। पार्टी का एक ऐसा कार्यकारी एक तरह का वर्किंग ग्रुप है जो पार्टी की सभी महत्वपूर्ण कामों में अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि ये महीना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 8 साल पूरे होने का महीना भी है। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर कहा कि कांग्रेस की चिंतन बैठक में एक परिवार के हाथ से सत्ता की रेत निकल रही है, उसको कैसे जकड़ा जाए, इस विषय पर चिंतन किया गया। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में देशहित के बारे में कोई फैसला नहीं, कवायद में निकला क्या, एक भी ऐसा फैसला बताइए जो देश के हित में हुआ हो, देश के लिए हुआ हो। लेकिन ये कांग्रेस का आंतरिक मसला है, उन्हें करना चाहिए, करते रहें। लेकिन यहाँ तो ये 2019 और आज 2022 कांग्रेस पार्टी 3 साल कहाँ थी, कोविड में क्वारंटाइन हो गई थी पारी पार्टी, और देश के 2 साल में कितना पानी नदियों में बह गया। कांग्रेस पार्टी अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बना पाई, ये केवल व केवल चिंता है, चिंता बैठक थी कि गांधी परिवार के हाथ से खिसक रही कांग्रेस की सत्ता कहीं निकल ना जाए।